वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? पीबीआर स्टडी की पावर इज लव जीरो लेवल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, भिन्न पर आधारित आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। छोटी और बड़ी भिन्न पहचानना, इसका दूसरा भाग, और जीरो लेवल की क्लास का ये 10वां 12वां भाग होगा। और आपकी ये सेकेंड बैच की क्लास है। फर्स्ट बैच में आपका लगभग 100 भाग पूरा हो चुका है। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है, आपको 100 भाग तक नहीं मिला है, तो आप कमेंट करिएगा, आपको वो दिया जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। आपने ये तो देख लिया कि जब किसी भिन्न का हर बराबर है तो कैसे पहचानते हैं कौन बड़ी है, इसको आपने पिछली क्लास में देख लिया था। अगर नहीं देखा तो कमेंट करिएगा, आपको क्लास दिखाई जाएगी, ठीक है ना? और हाँ, क्लास को लाइक अवश्य करिएगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, लाइक जरूर करिएगा। और ये भी भिन्न आपने देख लिया, जब किसी भिन्न का अंश जो है वो क्या हो, बराबर हो और हर अलग अलग हो, ये भी आपने देख लिया, ये भी देख लिया। तो आज हम देखेंगे जब ना तो अंश बराबर हो और ना ही हर बराबर हो, दोनों अलग अलग हो, तब कैसे जानते कौन बड़ा है, कैसे जानते कौन बड़ा है। देखिए, ये 2/7 है, ये 8/3 है, इसमें कोई भी गिनती कॉमन नहीं है, है ना? ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पहले हम चुपके से दोनों भिन्न को लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से कोई एक को बराबर करते हैं, चाहे अंश बराबर कर ले दोनों का, चाहे तो हर बराबर कर ले, ठीक है? समझ रहे ना? तो चलिए बराबर कर लेते हैं। चाहे तो किसी एक संख्या से दोनों अंश और हर में गुणा कर दीजिए, चाहे तो भाग कर दीजिए, लेकिन जो करिएगा अंश और हर दोनों में करिएगा, क्योंकि उसी तरह से जैसे एक माँ बाप के अगर दो लड़के होते हैं तो जो चीज आता है दोनों के लिए आता है, वरना झगड़ा हो जाता है। तो ये झगड़ा ना होने पाए इसमें, इसलिए दोनों में करिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि हम क्या करें, बराबर कर लेते हैं इसके, किसके, दोनों भिन्नों में, मतलब एक किसी गिनती के बराबर कर लेते हैं अंश अंश, ठीक है? तो दो में किससे गुणा कर रहे हैं, किसी एक संख्या से, कि इसके बराबर हो जाए, मतलब या फिर 8 में किसी एक संख्या से गुणा करें। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 का गुणा 8 में कर दें तो ये 16 हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा ना, मतलब 2 का गुणा किस में कर दें, 8 में। जरूरी नहीं कि इस 8 में कर रहे हैं, किसी में भी आप कर सकते हैं। और अब हमारे पास ये क्या है, 8 है, 8 का गुणा हम किस में करें कि 16 हो जाए, 8 का गुणा हम 2 में करें तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो उस तरह से आप क्या करेंगे, इसमें अंश और हर दोनों में 8 से गुणा कर लीजिए, इसमें और अंश हर दोनों में क्या करें, 2 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 दुना ये 16 और ये 7 8 56, और ये कितना हो जाएगा, 16/3 2 6। अब आप जान सकते हैं कौन बड़ा है, अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 16 रुपया है, उसमें 56 लोगों को बांटना है, इसमें 16 रुपया मात्र 6 लोगों को बांटना है, तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, 16/6 बड़ा है ना। तो 16/6 किसका पद है, 8/3 का है, इसका मतलब 8/3 बड़ा है, 2/7 छोटा है। समझ गए ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। इसमें जो नहीं समझ में आया बच्ची कुच्ची का सर, आप अगले सवाल में समझ लीजिए, और नहीं समझ में आए फिर भी तो कमेंट करिए, आपको कुछ और तरीके से बताया जाएगा। जी बिल्कुल, अलग तरीके से भी बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, जैसे मान लेते हैं यहां पर आपको दे दिया गया 3/11 और ये 4/7। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, कैसे जानेंगे, लिख लीजिए 3/11 और ये 4/7। आप एक काम करिए, वही तरीका अपनाइए इसमें भी, इसमें अंश और हर में इसके अंश से गुणा कर दीजिए, मतलब 4 से इसमें अंश और हर में गुणा कर दीजिए और 3 से इसमें अंश और हर में गुणा कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा खेला। तो चलिए 4 से गुणा कर देते हैं, ये देखिए, तो 4 3 12 और ये 11 4 44, इसमें दोनों में 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 7 4 28। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें 12 रुपए में 44 लोगों को बांटना है, इसमें 12 रुपए में मात्र 28 लोगों को बांटना है, तो किसमें ज्यादा ज्यादा पैसा आएगा,
12 बटे 28 में ना, इसका मतलब 4 बटा 7 बड़ा है, 3 बटा 11 क्या है, छोटा है। समझ गए ना? वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बनाइए एक तरफ से। सभी क्लास अगर करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, बिल्कुल गणित सिखाने की संपूर्ण गारंटी, अगर आपको गणित नहीं आती तो। अब कुछ सवाल आपके लिए, और हाँ इनका एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसे कि है ये 2/9 और ये है 8/3, इनमें कौन बड़ा है? ऑप्शन ए 2/9, 8/3, नॉन ऑब्लिज। देखिए एक तरीका ये है कि आप 2/9 को पहले लिखिए और इसमें आप भाग दीजिए 2 से 9 में। आप जानते हैं भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, ये घटाने पे 2 आएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 उतरेगा तो 9 × 2 = 18, और फिर 2 आ जाएगा नीचे, फिर 0 उतारेंगे, फिर 9 × 2 = 18, फिर 2 आएगा, इस तरह से 2 2 2 ऐसे आता चला जाएगा, तो बार बार जाएगा, इसलिए इसे हम 0.23 लगभग लिख सकते हैं। सार्थक अंक आपने पढ़ा होगा, है ना? इसको भाग करो भाई 8/3 में, 3 से भाग करते हैं 8 में, तो 3 × 6 2 आया घटाने पे, 0.03 × 18, फिर 2 आया मतलब 6 6 6 जाएगा, यानी कि 2.67 लगभग आएगा। अब आप यहाँ भी अनुमान लगा सकते हैं कौन बड़ा है। देखिए ये केवल 0.23 है और ये 2.67 है, इसका मतलब ये ज्यादा है ना, यानी कि ये बड़ा है। समझ गए ना? ये था दशमलव वाला मेथड, यानी कि सेकेंड मेथड। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगा या सेकेंड मेथड, कौन सा आपको आसान लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, तुरंत बताइए कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, फटाफट बताएं। अगला सवाल आपके लिए, तुरंत 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 तुरंत, देर नहीं, अगला सवाल। अब इन सवालों को आप लोग खुद करेंगे, अब मैं इनको बताने वाला नहीं हूं, आप लोग करके कमेंट करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लारों से डर कर नैया पार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो कुछ भी सुना एकदम सही सुना। 2/3 और 6/5 में कौन बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए 6/5, बी है 2/3, सी है 9/3। क्वेश्चन नंबर अगला, 7/9 और 8/5 में कौन बड़ा है? पहला 7/9, दूसरा 8/5। क्वेश्चन नंबर अगला, 3/21 और 17/42 में कौन बड़ा है? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट आपके सामने सारे सवाल आ चुके हैं, जल्दी करें, तुरंत बताएं कौन बड़ा है इन सब में। और भी सवाल अभी आपको हम देते हैं, इसी तरह का और भी सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं कर पाया तो। पहला सवाल मैं मिटाता हूं, पहले से कर लिए होंगे आप लोग ना, ठीक है? तो ये अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, 7वां सवाल, 2/3 और 1/3 में कौन बड़ा नहीं छोटा है? भाई क्यों बड़े की हमेशा बात होगी, छोटों को भी थोड़ा सा कदर करना चाहिए। इसमें कौन छोटा है? 1/3, 2/3, नॉन ऑफ दीज। हो गया, एक एक सवाल मिटाते चले, जल्दी से आप लोग बताएं फटाफट, तुरंत जल्दी करें, इनमें दोनों में कौन बड़ा है? 21/42 और 67/51, इनमें कौन क्या है? छोटा है, बड़ा नहीं। अब छोटा की बात होगी, बड़ा की बात वहां तक थी। पहला ऑप्शन 67/51, 21/42, जल्दी से बताओ फटाफट, 8 9 10 सवाल हो चुके। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्लास को फिर से देखिए, शुरू से देखिए, बार बार देखिए, हजार बार देखिए, देखने की ही चीज है भाई ये, ठीक ना?
कोई संकोच है तो आप कमेंट कर सकते हैं, निसंकोच बोलें, बिंदास बोलें। व्हाट्सएप नंबर 97-93-48-84-48 पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और भी सभी क्लास हिंदी अंग्रेजी बाल विकास मनोविज्ञान पर्यावरण पढ़ने के लिए हमें अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके माध्यम से जाएं और फॉलो का ऑप्शन आएगा, वहां पर अपना आईडी पासवर्ड यूज करके फॉलो करें। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने हैं, बहुत से नंबर आपको लिख के दिए गए हैं, 78-438-32-999। अगला नंबर सेम टू सेम है, यहाँ पर 33 है, सब कुछ वही है। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का जो नंबर है वो आपका है 97-93-48-84-48। बहुत ही इजी और बीआईसी नंबर है, आप लोग याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं pvrstudy.com, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। किसी प्रकार की सुझाव, शिकायत अथवा इंक्वायरी के लिए आप 24/7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान दें, फोन करने का टाइम जो है वो सुबह 9 से 10 और 10 से 11 के बीच का है। उसके बाद फोन करेंगे तो हो सकता है ना उठे या फिर देर में उठे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे चलते चलते एक रिक्वेस्ट होगी, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने कम से कम 5 दोस्तों में शेयर करिएगा। अगली क्लास का इंतजार करिएगा अगले दिन सुबह 5 बजे फिर से। 0 लेवल की 3 बैच चल रही है, आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर लें। अगली बैच इससे भी पीछे है, पहली बैच बहुत आगे चल चुकी है, कक्षा 7-8 तक पहुंच चुकी है, ये तो अभी कक्षा 4 में है। पिछली बैच ज्वाइन करिए क्लास 1 से, ठीक ना। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखना, इस क्लास को शेयर करके जाइएगा भाई, ठीक है ना, जरूर शेयर करिएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।